देख सकते हैं गदर जैसा जो कल है वो जा रहा है, एक गदर जैसा कल भी उखाड़ के आया था, लेकिन ये नहीं आना चाहिए था। कल पानी सबके लिए चाहता है, जल जीवन सब कुछ है, लेकिन आ भी गया था। बाकी किसका धन्यवाद दीजिएगा, चार महीना चक्कर काट के धन्यवाद किसका, किसी का नहीं, बस अपने दौड़ धूप किए हैं, बहुत पैसा लगाए हैं तो मिला है धन्यवाद। सबका कुर्ती जब्ती हुआ था 193-21 जो बैंक वाला केस था उसी केस में कुर्ती थाना में उपस्थित है। और बता दे जो मनीष कश्यप के घर पे कुर्ती जब्ती हुआ था और उसी के सामान को वापसी किया जा रहा, देख सकते हैं मनीष कश्यप की माँ है, तमाम उनके समर्थक लोग हैं, बाकी यहाँ पे थाने में जितने भी लोग हैं सभी लोग इकट्ठा है, लेकिन एक एक करके सामान मिला के मनीष कश्यप के सामान को वापस किया जा रहा है और फिर से घर भेजा जा। देख सकते हैं यहाँ पे कंबल वगैरह जो भी है गुदरा से लेके यहाँ तक, कल भी देख सकते हैं एक कल भी है, कल को भी वापस किया जा रहा है। बाकी जो सामान है देख सकते हैं वहाँ पर ट्रैक्टर पर लदा गया है, एक एक करके सामान को मिला के बाकी सभी सामान को देख सकते हैं ट्रैक्टर पर लादा जा रहा है। थोड़ा सा हम कहेंगे दिखाइए बढ़िया से, देखिए एक एक करके सामान वापस किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे लदा रहे हैं, यहाँ पे दिखाइए एक एक करके देखिए सब सामान, मनीष कश्यप के जो कुर्ती जब्ती हुआ था सभी सामान को एक एक करके मिला के इसको वापस किया जा रहा है, ट्रैक्टर आया है उनके घर पे भेजा जाएगा। बाकी यहाँ से जितने भी उनके माँ भी आई है उनसे भी बात करेंगे। अच्छा बताइए आप कुर्ती जब्ती जो हुआ था फिर सामान को वापस किया जा रहा है इसके बारे में? हाँ, पूरा सामान मिल गया, आपस जा रहा है। किसका धन्यवाद दीजिएगा, किसका धन्यवाद दीजिएगा, चार महीना चक्कर काट के धन्यवाद किसका, किसी का नहीं, बस अपने दौड़ धूप किए हैं, बहुत पैसा लगाए हैं तो मिला है धन्यवाद, किसी के नहीं देंगे हम, किसी के नहीं। हाँ अच्छा, क्या कहिएगा वकील जी आप, मनीष कश्यप के सामान को वापस किया जा रहा था? हाँ, 193-21 कांड संख्या में जिसमें कुर्की जब्त की गई थी संपत्ति मनीष जी का, आज वो कोर्ट के आदेशानुसार मुक्त हुई। सारा सामान एक एक सामान मिला के थाना द्वारा हमें कोऑपरेट किया गया, थाना प्रभारी द्वारा एक एक सामान हमें सुरक्षित मिला, इसके लिए मैं थाना प्रभारी आदरणीय अभय सर को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बहुत ही सुरक्षित सामान रख के और पुनः सारे सामान हमें वापस, ऐसा कोई भी सामान जो नहीं है ना कि छूटा हुआ है? नहीं, सभी सामान हमें, मतलब जिस तरह से आया था उसी तरह सुरक्षा भी रखा, सभी 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 अच्छा से। देख सकते हैं कि जो भी चौकी तक भी जो आया था सभी सामान को एक एक करके ट्रैक्टर पर ला जा रहा है। बाकी यहाँ के थाना प्रभारी भी सर हमारे साथ मौजूद है, बाकी इनसे भी बात करेंगे। थोड़ा सा हट जाए, साइड में जाने दीजिए। देख सकते हैं गदर जैसा जो कल है वो जा रहा है, एक गदर जैसा कल भी उखाड़ के आया था, लेकिन ये नहीं आना चाहिए था। कल पानी सबके लिए चाहता है, जल जीवन सब कुछ है, लेकिन आ भी गया था। बाकी सब सर से पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। अच्छा बताइए किस कांड में मनीष कश्यप का कुर्ती जब्ती हुआ था? 193-21 जो बैंक वाला केस था उसी केस में कुर्ती जब्ती हुआ था जी। अच्छा उस समय क्या लगा कि पूरे लोग वहाँ पे गए? नहीं, पूरे लोग गए थे, केस हुआ था और उसमें बहुत सारा जो है ना वहाँ था, कुछ प्रोटेस्ट होने का यह था, अंदेशा था, इसलिए कुर्की केस में बहुत सारे लोग वहाँ गए थे और विधिवत कुर्की की गई थी। और फिर इसके बाद यहाँ ये लोग आए हैं, कैसे प्रोसेस करके यहाँ तक पहुँचे? ये कोर्ट से माननीय कोर्ट के द्वारा न्यायालय द्वारा रिलीज कर दिया गया, वकील साहब हैं इनके, उनके परिवार के लोग माई हैं भाई आए हैं, उनको सुपुर्द कर दिया गया। एक और सवाल पूछ सकते हैं कि मनीष कश्यप बाहर भी कब आएंगे? इसकी ये हम नहीं बता सकते, ये कोर्ट का मैटर कोर्ट में है, वो कोर्ट डिसाइड करता है ना कि कोई बाहर कब आएगा। कब मेरा सवाल सर, हवा और पानी पे तो कम से कम कुर्की नहीं होता है, तो फिर कुर्की क्यों किया जाता है? कुर्की आपको बाध्य करने के लिए कुर्की किया जाता है, ये प्रोसेस है कि पहले आपके विरुद्ध वारंट निकलता है, आप नेम्ड एक्यूज हैं, आप बेल नहीं कराते हैं और घूमते फिरते हैं, तो फिर आपके विरुद्ध ऐसे भी आपको पुलिस पकड़ सकती है अगर आप मिलते हैं तब, लेकिन अगर आप एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, भागे फिर रहे हैं, इधर उधर रहते हैं, तो पहले आपका वारंट निकलता है। सर ऐसा है कि मनीष कश्यप सरेंडर कर चुके थे उसके बाद कुर्की? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुर्की हो गया था तब सरेंडर किया था। मतलब उस समय कितने का समय दिया गया था जब कुर्की का डेट आया? कुर्की निकला 18 को, 18 को कुर्की निकला, बहुत दिन से केस चल रहा था, 21 का केस था, इसके बाद नहीं सरेंडर किए तो कुर्की हो। कल उखाड़ना कहाँ तक जायज था? वो जायज है ना, जायज है, कुर्की आपको बाध्य करने के लिए कि आप बाध्य होकर न्यायालय में या थाना में आत्मसमर्पण करें, इस उद्देश्य से ही आपको बाध्य करने के लिए आपकी संपत्ति कुर्की। लेकिन तो कॉल को भी किया जा सकता है क्या? हाँ, इंसान को पानी पीने के लिए वो नहीं? अरे पानी पीने के लिए तो आप कहिए हमको रहने के लिए घर के किवाड़ क्यों निकाला जाता है,
सामान आपका क्यों, आप बोलिए कि हमारे आवश्यक आवश्यकता है, ये कार है, हम इससे चलते हैं, नहीं रहेगा तो हम नहीं चलेंगे। मनीष कश्यप के सामान के साथ साथ उनके चाचा का भी सब सामान है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, चाचा का कोई सामान नहीं था। कोर्ट के आदेश से मनीष कश्यप का सामान मुक्त हुआ है, मनीष कश्यप का सामान कुर्क हुआ था। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी देख सकते हैं सभी सामान मनीष कश्यप का, और एक एक करके यहाँ पे सब वापस किया जा रहा है। बाकी अभी जा रहा है कि मनीष कश्यप के चाचा जो है उनका भी सामान वो आया था कुर्ती जब्ती में, लेकिन उनसे भी पूछ लेते हैं क्या इनका भी सामान आया था कि नहीं। अच्छा बताइए चाचा जी, बताया जा रहा है कि आपका भी सामान आया था? कुछ सामान हमारा भी आया था, मिल गया। अच्छा मिल गया, क्या क्या सामान आया था? हमारा टीवी है, चौकी है, टेबल फैन था, बर बिछावना था, चौकी था, वो मिल गया। मिल गया, गया। चलिए, इनका भी जो कुर्ती जब्ती हुआ था लेकिन सब सामान मिल गया है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं मनीष का सबके सभी सामान को वापस किया जा रहा है। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे खबर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।